अभी अनिल शर्मा मैंने उसके साथ कभी काम नहीं किया गदर किस किस्म का डायरेक्टर है तुम लोगों को मालूम गदर हाइकी का है उसका सभी हाई वोल्टेज ड्रामा रहता है अभी आप जर्नी कर रहे हैं उनके साथ। जर्नी हो गई डबिंग भी हो गई वो सजा था बहुत कमाल का है सीन सजाने का बहुत है लेकिन उसकी एक कन्वेंशनल उसकी अपनी एक तरीके हैं अब मैं उसको कहता कि अनिल ये 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 तो उसने मुझे इसमें फिल्म में कहा कि नाना मैं आपको एक्टिंग सिखा नहीं सकता आप बताइए कैसे करेंगे मैं कैमरा लगा देता हूँ मैंने कहा ऐसे भी मत करो मुझे बताओ तुम्हें तो ये ये चाहिए तरीका मैं अब लिखने से हम साथ में हैं पिछले आठ नौ दस महीने से तो हमको मालूम है ना क्या है किरदार तो हमको अपने तरीके से करने दो हमें पूरा उसका ग्राफ मालूम है उसने कोई लेकिन वो सीन जो है यहाँ से यहाँ उठा के लेके जाते हैं अब मैंने उनको कहा कि दूसरी फिल्म हम साथ में करते हैं प्रकाश झा जो है उसके साथ अगर काम करो तो मतलब कुछ बोलना है वाई सेट मुझे बुलाएगा देख ऐसा 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 इतना आहिस्ता अगर कुछ कहना है तो आके काम में थोड़ा सा ऐसा ऐसा बस डबिंग में मैं उसको कहता हूँ कि मेरे साथ में बैठ ताकि वो लहजा जो है तुम्हारा बिहारी वो कुछ नहीं हम कह गए थे ना भैया कुछ नहीं ऐसे कर नहीं करता वो हम कहते हैं ना बोल दिए था ना खामखा खा खा खींचना जो होता है ना तो कहता है नाना ना, ये लोग जो कहते हैं ना ये ये नहीं ऐसी नहीं है बिहारी हमारी ये ऐसी है मैंने कहा हमको तो मालूम नहीं हमको बोल दो हम जो बोलोगे हमको दुनिया की कोई भी लैंग्वेज बोल दो हम बोल देंगे हमने काला जो है तमिल में डब की है अपनी आवाज़ में हालांकि शूटिंग के वक्त हम हिंदी में बोले अच्छा और डबिंग के वक्त तमिल में की है ऐसे ही दो लाइनें करनी थी मैंने कहा बोलो वो लड़की ऐसे बोलती थी हाँ 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 या माइक है हाँ हाँ अभी कैसे हो एवडीयर के ऐसे है तो वो एक बार कान में गया हाँ हाँ ओके वो ऐसे कर ऐसे पूरी फिल्म की मैंने और मैंने कहा रजनी अन्ना थे मैंने कहा दादा मतलब वो आदमी तो इंसान मतलब ऐसा नाना बहुत अच्छा क्या बहुत थैंक यू कैसे हैं हम लोगों ने तो कहानियाँ सुनी आप बताइए ना आपने साथ में आ, काम वे वाट अ पर्सन कहाँ पे शूट किया था आप लोगों ने चेन्नई में ये तो वही चेन्नई में इधर भी थोड़ा पोर्शन बम्बई में किया उनके बारे में यार राजकुमार साहब जो थे हमने तिरंगा में काम किया था इतने बेहतरीन इंसान हैं यार खा मखा अफवाहें फैली हुई है उनके बारे में क्या अफवाह फैली आपने भी सुनी थी किसके राजकुमार साहब के बारे ना, में ना ना मैंने सुनी थी लेकिन मेरे जहन में क्या हमने सुनी तो उनको बोल में? दिया हम आपके मतलब पिता समान हैं हमारे बड़ी इज्जत करते हैं आपकी इसको बरकरार रखना आपके हाथ में है पर वो जो कहानियाँ चलती हैं कि आपने मेहुल कुमार जी से कहा कि एक भी सीन नहीं बदला जाएगा और वो चिल्लाएंगे नहीं कुछ नहीं ये सही बात है नहीं नहीं अरे यार वो उल्टा उल्टा था क्या था नाना एक काम करना है तुम्हें राज साहब कहते थे वो जो सीन है मेहुल लाएगा वो सब देख लो सही करवा लो हाँ वो ऐसे ही मत करो वो कुछ लिख के लाएगा और तुम चेक करोगे वो।, वो कहते थे हमको नहीं तो शूट के दौरान आप लोग की केमिस्ट्री बिल्ड हो गई थी हमारे मतलब बाकायदा केले के फूल की सब्जी खाई है तूने कभी जी केले के फूल की फूल की नहीं तने की केले के फूल की केले के फूल बहुत मतलब तकलीफ होती है वो बनाने में रात को छील के रखो ये करो कर साफ करो तो वो बना के हम लेके गए थे माँ ने बनाई थी तो नाना क्या लाया खाने में तो मैंने डिब्बा लेके जाता था तो अरे वाह तो खाई थोड़ी वाह ये तुम खाओ वो घर से कुछ लाया था और खाई और मुझे कहने लगे कि माँ जी को कहना कि क्या किमा बहुत अच्छा हो गया तो मैंने कहा राज साहब कीमा नहीं है वो केले की के सब्जी है नहीं नहीं जानी ये तो कीमा है वो जिस तरह से बोलते थे अरे यार अरे भाई मेहूल <laughs> कभी एक इतना गंदा लफ्ज ने उनके मुंह में कभी गुस्सा भी हो गए तो सिर्फ बस एक लफ्ज ने से निकल गया पर उस समय की फिल्मी जर्नलिस्ट लिखा करते थे कि यह फिल्म बनना असंभव आ, है ये तिरंगा कभी नहीं लहराएगा है इसमें नहीं ये मैं नहीं 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 उन्होंने कहा था सब ने यह लिखा भी था दो सर फिर है ये फिल्म मेहुल कभी पूरी ही नहीं होगी लेकिन नहीं यार हम तो मतलब बाकायदा उनके पैर छूते थे पर तो क्या आप लोगों की मतलब इट्स ड्रामेटिक फिल्म लेकिन ब्रिगेडियर सुरदेव और इंस्पेक्टर वागले और आप जब बोलते हैं वो जो पीछे से म्यूजिक बचता है मराठा मरता है मारता है उस फिल्म का लॉजिक नहीं पूछ रहे तो हम वो फ्यूज कंडक्टर का किसी पूछेंगे नहीं बट द काइंड ऑफ कन्विक्शन इट ब्रॉट हाँ देखो भाई झूठ है ना इतने कन्विक्शन से बोलो कि वो सच लगे तो वैसी थी वो फिल्म